नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के गया में नाबालिग से दुष्कर्म करने की कोशिश के बाद ठंडे बस्ते में कार्रवाई। मामला बीते वर्ष सितंबर बजीरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां छठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को स्कूल के नाइट गार्ड रोशन कुमार ने 3 माह पूर्व दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसका कांड पॉस्को एक्ट थाने में दर्ज है। लेकिन आज तक ना अपराधी पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही पुलिस के द्वारा केस का अनुसंधान मिल रहा है। पीड़िता के परिवार वालों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अब पीड़िता ने इंसाफ के लिए कई महीनों से गुहार भी लगा रही है। तो वहीं गुरुवार को पीड़ित ने मगध के IG से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी, तो न्याय का आश्वासन मिला है। अब एक ये बड़ा सवाल है कि आखिर पीड़िता को न्याय मिल पाएगा या फिर ऐसे ही पुलिस सिर्फ खानापूर्ति करेगी। गया से संदीप कुमार की रिपोर्ट। तो सतेंद्र चा के दुकान के पास रोशन भैया मिले, तो हम पूछे कि रोशन भैया स्कूल खुला हुआ है? तो बोले कि हाँ खुला हुआ है, जाओ हम लोग आते हैं। तो हम लोग गए स्कूल, वहाँ पे 10-15 मिनट इंतजार किए, कोई भी सर नहीं आए थे। तो फिर थोड़ी देर के बाद रोशन भैया आए तो दरवाज़ा खोले और बोले कि तुम लोग झाड़ू लगा दो, तब तक हम सर के पास फ़ोन करते हैं। तो सर के पास फ़ोन करते, अभी सर का फ़ोन बंद आ रहा है। आप बोले क्या सुनो, तुमको ऊपर झाड़ू देते हैं लगाने के लिए। जब हम गए ऊपर झाड़ू लेने के लिए तो पीछे से आकर पकड़ लिया, गंदा गंदा बात बोल रहे थे। तो हम दाँती काट के छुड़ा के भागे। अब बोलते भागे कि हम जा रहे हैं, पापा को कहते हैं। तो कहे कि पापा को मत कहना, 500 रुपया देंगे। फिर हम नीचे आए, अपना पैसा लेके घर आए, मम्मी को कह दिए सारा बात। क्या नाम हुआ? जब मेरे को पता चला तो मैं जब गांव पे आया और मैं कहा कि पूरे गांव ग्रामवासियों को बोला, उसके बाद फिर बड़ा बाबू को भी इंफॉर्मेशन दिया। थाना का बड़े बाबू को आए और बोले कि ठीक है थाना आकर के अप्लीकेशन दीजिए। जब थाना आकर के दिए तो उटाल मटोल करते हुए 9 अक्टूबर को अप्लीकेशन लिए और अप्लीकेशन लेकिन दबाव बना रहे हैं, बार बार दबाव बना रहे हैं कि इसे इसको मैनेज कर ले। आज भी दबाव बना रहे हैं, DSP साहब का रीडर भी यही बात बोल रहे हैं कि इसे केस को मैनेज कर लो। क्या तुम्हारे पास पैसा है कि केस लड़ोगे? क्या मैं अपने बच्चे का मान सम्मान के लिए मैं क्या करूँ, केस मैनेज कर लूँ? ये किनके द्वारा कहा जा रहा है? ये DSP साहब का रीडर के द्वारा, बड़ा बाबू थाना बड़ा बाबू रामी कुमार यादव के द्वारा। अच्छा अच्छा, आरोपी का क्या नाम है? रोशन कुमार, वही रहते आपके गांव में? हाँ, अभियुक्त भी अब धमकी देना शुरू कर दिए हैं सर। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैंने सजा हो, मैंने मेरा बेटी का इंसाफ में न्याय। हाँ। मैं बेटी का इंसाफ का न्याय का गुहार ही लगा रहा हूँ। SSP साहब के पास भी 2 बार गया। SSP साहब 30-12 को जब दूसरे बार गया तो उन्होंने कहा कि स्वयं कार्रवाई करूँगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम शिव शंकर सिंह, बच्ची का पिता हूँ। लौट के आई तो मुझे बताई, हम पूछे बेटा क्या हुआ, आज उदास क्यों लग रही है? तो रोते हुए आके हमको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बोल रही मम्मी रोशन भैया बहुत गंदा आदमी है। हम बोले क्या हुआ बेटा? तो फिर मुझे बताई कैसे ऐसे वो लोग हरकत किया। फिर तुरंत हम इनके पास कॉल किए, बोले कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। फिर गया जा रहे थे, रास्ते से लौट के आए, उसके बाद गांव पंचायती लगाएं कि ऐसा ऐसा मेरे बच्चा के साथ हुआ है कांड, लेकिन वो पंचायती में उपस्थित नहीं हुआ है। उसके बाद फिर प्रशासन बड़ा बाबू भी वहां परी पंचायती में थे शामिल, तो बड़ा बाबू बोले कि आके थाना उसको खिलाफ दर्ज करो। तो उसके बाद हम लोग थाना गए, थाना जाने के बाद 8-10 दिन तक हम लोग थाना पे दौड़ते दौड़ते उसका केस जब लिए, उसके बाद वो भी उसी दिन काउंटर केस कर दिया जाके, जिस दिन हम लोग केस हम बोले भी वो भी यहाँ पर है इसको पकड़िए सर, यही है सर, तो नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा तुरंत हम पकड़ लेंगे, तुरंत केस लिए हैं, तुरंत उसको हम पकड़ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बताइए, अब 3 महीना से हम लोग दौड़ रहे हैं बच्चा के साथ, इतना छोटा बच्चा को लेके अपना बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। अगर पैसा नहीं रहेगा सर हमारे पास तो इंसाफ नहीं मिलेगा। बताइए, नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम स्वीटी सिंह है, बच्ची की माँ। मैं बच्ची की माँ हूँ और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।